शुरुआत करते हैं कांग्रेस की स्थिति से। हार के बाद कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। एक और राहुल गांधी हैं, कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ने पर अड़ गए हैं, तो वहीं उनको मनाने के लिए पार्टी नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मंगलवार सुबह भी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, नेता रणदीप सुरजेवाला उनसे मिलने के लिए पहुंचे। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि राहुल गांधी से कहा गया है कि अभी पार्टी को नए विकल्प नहीं मिल रहे हैं। राहुल को कहा गया है कि आप पार्टी में जो मर्जी बदलाव करें, जैसे चाहें पार्टी चलाएं। इसके बाद खबर है कि अब राहुल ने नरमी के संकेत दिए हैं। सूत्रों ने दावा किया है कि कार्यप्रणाली में कुछ शर्तों के साथ राहुल अध्यक्ष पद पर बने रह सकते हैं। बताया जा रहा है कि अहमद पटेल, प्रियंका गांधी की कई दौर की मीटिंग्स के बाद इस बात पर सहमति आखिरकार बन गई है और इस बीच आपको बता दें ये तस्वीरें आपके सामने बहुत दिलचस्प हैं, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं राहुल गांधी से मिलने के लिए। वो भी उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे और एक एक करके कांग्रेस के तमाम बड़े नेता राहुल गांधी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी का नतीजा ये है कि राहुल गांधी ने फिलहाल नरमी के संकेत दिए हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी। आपको मालूम है कि अभी दो दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को खारिज कर दिया गया था, कह दिया गया था कि इस्तीफे की पेशकश भले ही राहुल गांधी ने की हो लेकिन उसे ठुकरा दिया है कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन उसके बाद अंदर खाने से खबर यह आई कि राहुल गांधी इस्तीफे पर अड़ गए हैं। अब अहमद पटेल ने उनसे बात की, प्रियंका गांधी ने उनसे बात की और ये कहा कि अभी फिलहाल विकल्प तलाशना मुश्किल है, जिसके बाद बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं कि विकल्प तलाशिए, मैं अध्यक्ष नहीं बने रह सकता हूं। उन्होंने ये भी कह दिया था साफ साफ कि अगर मैं नहीं तो उसके बाद प्रियंका की ओर मत देखिए, यानी कि साफ संकेत यह था कि गांधी परिवार से इतर कोई विकल्प तलाशा जाए। लेकिन फिलहाल उन्हें समझाया गया है, अशोक गहलोत फिलहाल पहुंचे हैं राहुल गांधी को समझाने के लिए और यही कहा जा रहा है कि आपका इस पद पर बने रहना बहुत जरूरी है। तो सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी मान गए हैं? क्या राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मान गए हैं अपने पद पर बने रहने के लिए? क्या ये इस्तीफा नहीं होगा? यही सवाल अब बना हुआ है। राहुल ने कहा था कि वो इस्तीफा देने का अपना फैसला नहीं बदलेंगे। लोकसभा चुनाव में करारी हार हुई, उसके बाद पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की पेशकश की राहुल गांधी ने, लेकिन नवनिर्वाचित सांसदों से मिलने से भी उन्होंने मना कर दिया था, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर वो नहीं रह सकते हैं, ये उन्होंने कहा था। इससे पहले शनिवार को पार्टी ने कहा था कि राहुल के इस्तीफे को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने खारिज कर दिया है। सोमवार सुबह राहुल गांधी ने वरिष्ठ नेता अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की और उन्हें बताया कि वो अपना फैसला नहीं बदलेंगे, पार्टी को नया अध्यक्ष ढूंढना पड़ेगा। देखिए, सारे कार्यकर्ताओं ने काम किया, सभी ने अपना भरपूर प्रयास किया होगा, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए ये परंपरा रही है कांग्रेस में कि प्रदेश अध्यक्ष या और लोग त्याग पत्र देते हैं। जहाँ तक सवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष का है, मैं इस मत का हूँ कि उन्हें त्याग पत्र नहीं देना चाहिए राहुल जी को, बल्कि सभी से त्याग पत्र लेकर कांग्रेस को पुनर्गठन इस तरह करें जिससे आने वाली चुनौतियों का सामना कांग्रेस सक्षम नेतृत्व के साथ कर सके। मेरा अपना मानना है कि श्री राहुल गांधी को त्यागपत्र नहीं देना चाहिए अध्यक्ष पद पर, बल्कि लेना चाहिए।